सिरोही का पैलेस रोड पर श्री राम जी का मंदिर, श्री महामंदिर के नाम से ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। हम इस श्री राम नाम के महात्म्य से इस मंदिर के दर्शन की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और सिरोही का इसको हम खास मंदिर भी कहेंगे। ये रियासतकालीन मंदिर है और इस मंदिर का जुड़ाव सिरोही रियासत से है और वर्तमान में श्री रामचंद्र जी का ये मंदिर है, श्री महामंदिर के नाम से ये मंदिर है। अभी चूंकि पूजा अर्चना चल रही है, आरती हो रही है और ये आरती हर दिन होती है और इसलिए हम भी इस आरती में शरीक होते हैं। हमको मंदिरों में हर दिन आना चाहिए, नियमित रूप से आना चाहिए और मंदिरों में आने से, मंदिरों की आरती में शामिल होने से मन को शांति मिलती है। ये एक प्रामाणिक है, पूरी तरह से सत्य है। मैं मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ और मंदिर के दर्शन हमको करने ही चाहिए। ये श्री राम दरबार है, भगवान श्री राम का मंदिर है। माता सीता, माता जानकी, श्री लक्ष्मण जी और ये तमाम जो नज़ारा है वो अपने आप में बहुत खास है। यहाँ जिस तरह से ये पूजा आरती की सामग्री रखी हुई है, ये यहाँ श्री सीताराम जी महाराज रहते हैं, जो यहाँ का गुरु आश्रम जिसको कहेंगे वशिष्ठ आश्रम, जो भगवान श्री राम के गुरु रहे हैं और श्री राम झरोका और ये महामंदिर, ये तीनों यूँ समझिए कि श्री सीताराम जी महाराज इनके महंत हैं और उनकी देखरेख में, उनकी व्यवस्था में ये मंदिर की नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। और हम इस मंदिर के एक बार बाहर के नज़ारे को भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ का एक परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा हमको भी करनी चाहिए। बस हम एक बार मंदिर जरूर आए, हमारी दिन की शुरुआत मंदिर से हो। ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग श्री राम या हम जिस भी ईश्वर को हमारे भावपूर्ण रूप से मानते हैं उनकी हमको पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। ऐसे हमारा तन मन सब पवित्र हो जाते हैं। लेकिन हम एक बार इस पूरे मंदिर को एक बार अगर हम देखें, यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के भी हम दर्शन करें, क्योंकि श्री राम के अनन्य भक्त कहलाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ये संपूर्ण परिसर आश्रम नुमा लगता है और हमको इस परिसर में आना ही चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। वर्तमान महंत सीताराम जी महाराज और उनके गुरु और फिर उनके गुरु, और इस तरह से ये कई पीढ़ियों से ये मंदिर की परंपरा चल रही है। और देव दर्शन की सीरीज के माध्यम से हम ये अपील तो हम हर दिन करते हैं कि हम मंदिरों में पहुँचें। मंदिर हमारी एक तरह से, जब भी हम संसार के पेड़ों से थक जाते हैं तो मंदिर में आके हमको निश्चित रूप से विश्राम मिलता ही है। मैं मंदिर का कुछ भाग आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। ये मंदिर का बाहर का परिसर है। यहाँ ये विशाल पीपल और ये तमाम वृक्ष, पीपल की तो हम ये चूंकि देव वृक्ष है और पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है, और पीपल आदि हमको लगाने चाहिए। यहाँ श्री महादेव जी के भी हम एक बार दर्शन करें। और Thank you.
हमको साकार भक्ति करनी चाहिए। साकार से हम निराकार की तरफ बढ़ते हैं। और इस मंदिर की व्यवस्था को चूँकि सीताराम जी महाराज देखते हैं, जो यहाँ के महंत हैं, इस मंदिर की एक बात और ख़ास है कि ये पैलेस रोड पर ये मंदिर बना हुआ है। और जो भी शुभ कार्य होते हैं या जो भी कुछ कार्य होते हैं तो इस मंदिर से उसकी शुरुआत होती है, ये हमने कई बार अनुभव किया है। और चूँकि इस मंदिर की ऐसा भी मानते हैं कि जयराम दास जी महाराज के ज़माने से इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी भी रही है, जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों में लेते हैं, ये इनकी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन हम मंदिरों में हमको आना चाहिए और मंदिरों में आना हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल बुज़ुर्ग आदमी ही मंदिर जाए, या बच्चों का क्या काम, या बड़ों का क्या काम, या बड़ों को समय नहीं मिलता, इस तरह के भाव जब मन में आते हैं तो समाज के हित में भी नहीं होता और धर्म के हित में भी नहीं होता। मैं पुनः श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के एक बार दर्शन, भावपूर्ण दर्शन करें, और इस मुहूर्त को तो हम हमारे हृदय में बसा लेना चाहिए, क्योंकि श्री राम तो रघुकुल के तिलक हैं, रघुकुल मणि हैं, और राम का भक्ति हमको करनी चाहिए। किसी भी सूरत में हमको श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और इस भाव के साथ कि हम इन मंदिरों में कम से कम सुबह शाम अवश्य आए और इस ध्वनि से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। ऐसा सुबह शाम की इस तरह की आरती और कार्यक्रमों का एक महत्व है। और हम श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए जय श्री राम।